बनाना को वोट करता हूँ। ठीक है, तो आप देखिए आप क्या पर्ची देख रहे हैं। हाँ, बनाना अभी। बनाना अभी चार वोट किए हैं, चारों बनाना को। चारों बनाना को ये शो रिजल्ट कर रहा हूँ अब मैं। तो टोटल वोट कितना हुआ है? चार वोट हुए हमारे। अब एप्पल को कितना मिला? तीन मिला। कौन जीता यहाँ? क्या आपने एप्पल को वोट दिया? मैंने भी नहीं दिया। टोटल वोट चार। अब देखिए यहाँ पे टोटल वोट कितना है और यहाँ टोटल वोट कितना है कागज का। एप्पल का कितना वोट है, यहाँ एप्पल का कितना है और यहाँ बनाना का कितना है? ये बनाना का ही कर लो काउंटिंग। क्या आपकी चोरी पकड़ में आई? लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश में ईवीएम को लेकर चर्चा हो रही है। ईवीएम पर पूरा विपक्ष, देश के तमाम लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, और इसको लेकर तमाम लोग जो चुनाव आयोग से मिलने गए, चुनाव आयोग से ये कहा गया कि ईवीएम हैक हो रही है। ऐसे में बैलेट पेपर पर अब की बार 2024 का चुनाव होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले को एकदम भी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन इसी को लेकर आज पवन शर्मा जी हैं जो ये बताएंगे कैसे ईवीएम को हैक किया जा सकता है, वीवीपैट की पर्चियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और देश में जो चुनाव हो रहा है वो एकदम निष्पक्ष तौर पर चुनाव नहीं हो रहा है, चुनाव में धांधली हो रही है। बस स्वागत है पवन जी आपका। आपके पास ये वीवीपैट मशीन है, ये इसको जिसने बनाया उनके बारे में बता दूं, राहुल चिमन भाई मेहता जी, IIT दिल्ली। थोड़ा मशीन के बारे में बताइए और फिर इस बारे में हम चर्चा करते हैं कैसे ईवीएम को हैक किया जा रहा है आज के दौर में इस चुनाव में, बताइए। देखिए, भारत में 2012 में वीवीपैट लाई गई थी जी।